बड़ी वाली खुशी होगी कि यूपड़ा ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर किया। थैंक यू कोई है तो नहीं, पढ़ो बेचारा अभी घूमने गया गोवा, 5 दिनों तक आएगा बस, उसका 4 दिन हो, 1 दिन हो चुका है, 4th डे चल रहा है, 4th डे के बाद आएगा 3 डे, और 3 डे में पता नहीं कौन टपक पड़ेगा इस स्टेज पर, स्टेज न्यू फ्लोर है। तो खुशी वाली बात हो रही है हमको बेटा आपको बताते हुए, आप लोग देख लो SUBSCRIBE नाम का एक प्रश्न है, उसको दबा डालो, उसको फोड़ डालोगे तो आपके अकाउंट में 0-0 पेमेंट आ जाएगा, बैलेंस बिल्कुल आपका जो भी रहेगा वो कुछ नहीं होएगा, कन्वर्ट नहीं होएगा, पर एक पैसा आपको मिलेगा आपके सपनों में। मजाक वाली बात हो गई, आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको चटकेदार मसालेदार मीठी मीठी वीडियो मिलेगी, और आपको मजा ही तो आएगा, इधर ही तड़का लग जाएगा, सच्ची बता रही हूँ, युग बेटा के स्टाइल में। तो क्या मतलब क्या किया जाए, तो कल बाबूराव जी आए थे, बाबूराव गणपत राव आपटे, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि यहाँ आए थे वो, तो इसको बताना मत, यहाँ उन्होंने संडास बना रखा है सीक्रेट बेस, यहाँ से ना माइनक्राफ्ट की तरह माइन करते हैं और यहाँ से जाते हैं संडास में, बस इससे आगे नहीं बोल सकता। हाँ तो आपने मेरी पिक्चर देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें तो उन लोगों का गम था बड़ा खुश खुश से, तो उसमें वो शाहरुख बेटा आते हैं ना, वो पास में दुकान थी वहीं मुझे नोच बेटा मिला था, नोच जानते नहीं तो बता दूँ, नोच नहीं है आपका माइनक्राफ्ट बना है जिसको आज अपन माइनिंग करके तोड़ने वाले हैं, आपका डायमंड कोहिनूर एमराल्ड से आपको माला माल कर देंगे। हाँ तो नौज बेटा उसी वो पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जब अमिताभ बच्चन तो मैं हूँ, और वो शाहरुख बेटा पेड़ पड़ रहा था तो साइड में एक दुकान थी, तो वो दुकान में ही नौज बेटा मुझे मिला था, मैं बाद में शूटिंग के बाद एक दो कपड़े खरीदने गया था, क्या ही कपड़े थे, मजे आ गए थे, दिखाऊंगा ये देखो अभी भी उस कपड़े को मैंने देखो संभाल के रख रखा है, सीना फाड़ के कपड़े पहन के आया हूँ देखो अभी तक एक दाग लगा। मौज बेटा ने मुझे बोला था कि कभी भी मेरा एक बार गेम खेल के वीडियो बना देना तो मेरी वीडियो वायरल हो जानी चाहिए, तो आपसे नर्म निवेदन है कि फटाफट जाके 5000 लाइक पूरे कर दो, उसको फोड़ डालो, दबा डालो, माइनक्राफ्ट की एक्स लेके कट कर डालो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं तो अभी अपन क्या करें, तो अपन को खेलना है आज माइनक्राफ्ट, तो बाबूराव भैया तो चलेगा वो बोल रहे थे, तो कुछ जादू बता के गए मुझे बाबूराव भैया, उनको युग भैया युग ब्रो ने बताया था, बाबू भैया मुझे कल ही बता के गए, और कल एक बेटा आएगा जिसका नाम है बस सीक्रेट है, तो मैं कुछ जादू दिखाऊंगा, मैं 2 बार क्लैप करूंगा ये कुर्सी इस एरिया पे, एक बार देख लो सब देख लो ध्यान से, ये नीचे देखो नीचे, यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे देखो ना, ऊपर का देख रहे हो, नीचे देखो, देख लिया ना पूरी तरह से शॉट, मैं 2 टाइम क्लैप करूंगा, अभी नहीं अभी मत मानना, मतलब ऐसे 2 बार क्लैप करूंगा जब यह कुर्सी अंतर मंतर विचित्र प्रकट हो जाएगी, कुछ मंत्र बोल लेंगे, पहले अपन हमारे संग बोलो सब्सक्राइबम लाइकम 200 कमेंटम 5000 सब्सक्राइबम, ये मंत्र बिल्कुल रियल है, ऐसा करोगे ना सच बता रहे हो आपके घर पे मेरी कुर्सी टेलीपोर्ट हो जाएगी, मजाक वाला सच बोल रही हूँ, तो बोलो सब्सक्राइबम मंत्रम लाइकम कब की वीडियो शुरू करम, तो पहले एक क्लैप करेंगे, तो देखो कि बेटा के नहीं पता नहीं ये मुझे अपने बाबूराव भैया सिखा के गए, बड़ा प्यारा जादू था, इसमें कुछ करना पड़ता है, मैं फिर से 2 बार क्लैप करूंगा, रिकॉर्ड नई चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, मत टेंशन लो, इस स्पॉन्सर्ड वाले भैया ने हमको स्पॉन्सर्ड नहीं करा है, तो कैसा लग रहा है बाल कुछ है ना लुक नहीं है, मैं ना केवीसी में बैठा रहता था तो मुझे यहाँ ये देख रहा ना कॉलर, यहाँ को माइक लगा देते, पर ये युग बेटा कौन सा माइक दे गया, उसका कोट भी अपना पहना गया, क्या बताऊँ उसको शर्ट पता नहीं कौन सी पहना गया, शर्ट तो ये मैंने नॉर्थ बेटा के पास से ली थी, वो भी उस दिन वही शॉपिंग कर रहा था। तो गाइस आज का फटाफट से सुपर स्टार वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, पहले बाल बाल देख लो सामने ही ना, युग बेटा ने मेरे लिए मिरर लगवाया स्टाइल चेक करने के लिए, अभी तो देखो दाढ़ी तो देखो मेरी, नहीं देखेंगे मत करो, अभी शेव करवा के आ रहा हूँ, तो वीडियो यही नमस्कार, आज का वीडियो यही खत्म होता है, अरे खत्म नहीं होता है मैं टेंशन ना मजाक कर रही हूँ, तो आज का वीडियो यही स्टार्ट होता है, हम पहुंच चुके हैं युग ब्रो
जोरो की जादुई कुर्सी पर। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं मुझको, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये माइनक्राफ्ट गेम में आ गया बेटा। तो बेटा देखो ये नमस्कार, जय श्री कृष्ण करो, ये हमारी भाषा है। हम ये यहाँ के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, पहचाना? पहचान लिया ना? बस सब बढ़िया, अरे सब मजे में। तो अभी गणेश चतुर्थी गई है, पापा भी आए थे, मैंने सुना है माइनक्राफ्ट में। तो देखो ये आज का वीडियो स्टार्ट करते फटाफट से। तो देखो गाय हमारी माता है, सामने हमें दिख जाता है। तो देखो गाइस ये कुछ सामने कुछ भेंट मिली है युग ब्रो की तरफ से। तो युग ब्रो लगता है गोवा से कुछ सामान उसने मुझे बोला था, ये कुछ आपने देखा तो नहीं ना? हाँ तो आपने कुछ सुना नहीं, जैसा कि अभी आवाज आई आपको, समथिंग वेंट रॉन्ग, अपन उसे ध्यान नहीं देना। ओहो तो आज हम जीते हैं इतने सारे आलू, गाजर, पिकैक्स, एक्स, ब्लॉक्स। अरे अरे बस खुशी के मारे मेरी क्या ही बताऊं, बस मत पूछो। तो गर्मा गर्म ब्रेड मिल चुकी है, आलू तो मिले नहीं मैंने, ये मेरे तो आलू घर में तो चकाचक आलू रखे, क्या ही बताऊं। प्याज के बीज तो देखो, अरे मेरे घर के प्याज इम्पोर्टेड प्याज होने, और लहसुन नहीं, लहसुन नहीं मिली, सेम फूल, अरे सेम फूल की तो बात ही मत करो, नहीं अभी सेम फूल मैं सारे खा गया हूँ। ये अच्छी, ये नॉनवेज हम ध्यान नहीं देंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, मेरे बात सुन लो ध्यान से। या अपन एक काम करते हैं, अदला बदली कर देते हैं यहाँ। ओ बेटा ये क्या हो गया हमसे, मेरी गाजर कहाँ ले गए आप लोग? मुझे इंसाफ चाहिए मेरी गाजर का। तो पहले ये कैमरे भैया को ऊपर ले चलते हैं, आप ऊपर आ जाइए, आप ऊपर सेफ रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप, पिकैक्स मिल चुकी, एक्स मिल चुकी है, और एक बस मत पूछो, आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, सब समझ जाओ। तो यार क्या ही चेस्ट था, एक काम करते हैं इस चेस्ट बेटा को काट लेते हैं, फिर बाद में अपने काम में आएगा। ये देखो ये ले लिया हमने, गलती से लगता है ब्लॉक बेटा को भी तोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि आज मुझे एक अपना, मेरे घर का नाम क्या था, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे पुराने घर का नाम। तो एक काम करते हैं, आपको तो पता ही है, मुझको भी पता है, तो मैं अपने नए घर का नाम रखूंगा राजमहल। नहीं ये तो डरावनी पिक्चर का नाम है, नहीं राजमहल भी नहीं, रुक जाइए। जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे घर का नाम मन्नत है, जानते हो ना? जानते हैं ना, जान लो, वरना मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही मगजमारी कर रखी है मैंने। तो ये देख लो ना, ये मन्नत का एरिया नहीं है, यहाँ मैं अभी अपना नया घर बनाऊंगा। तो मुझे रात होने से पहले, ब्रेड तो बहुत सारी है मेरे को, यहाँ को पहले माइनिंग कर लेते हैं, बीज मिल गए हैं, थोड़े बहुत बीज ले लेते हैं, खेती बाड़ी करनी भी है। बट खेती बाड़ी करने के लिए एक बढ़िया बात हो गई, सामने पानी का वो है, वहाँ से पहले अपन ग्लास बना लेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, नौज बेटा ने समझाया था गेम ऐसा है, अभी तक अब बच्चन जी ऐसा, उससे तो बहुत छोटा था, पर उसने क्या ही उम्र में ऐसा गेम बना दिया कि आज कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो करोड़ों लाखों कमा रहे हैं। और अपने तो लेंगे अलग है यार, लैंडलाइन कनेक्शन ही अपना अलग लगा रखा है। तो हम तो यूट्यूब बनाने जाते हैं, हम भी इसमें बनाते, हम भी इतनी मगजमारी नहीं करते। कहाँ का बम्बई गए थे मैं सुपरस्टार बनने, इससे अच्छा यूट्यूब पे आता है, घर बैठे बैठे वीडियो बनाता। और आज जैसा कि युग बेटा है, अच्छे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहने वाले लोग हैं,
हिद्दत हो, सबके होते हैं, बट अभी तर आप लोगों की मदद से वो आगे बढ़ सकता है। तो यार अपना ये रुको रुको रुको, अभी बातें बात में बहुत हो गई, बातें बातें तो होती रहेगी। तो पहले युग बेटा ने कहा था कि जंगल की तरफ मत जाइयो, पर वहाँ से पहाड़ तोड़ लियो, ये उसने मुझे कुछ कोड वर्ड बताया, बोल लियो, ऐसे बोल लियो, लियो लगाना टशन बनता है। ओहो दुर्भाग्यवश आपका गलत जवाब रहा, ये दुर्भाग्यवश ये कौन सा ट्री है क्या ये बताएं हम आपको, इससे मैं माइनिंग नहीं कर सकता। मुझे ओक ट्री ढूंढने युग बेटा ने मुझे बताया था। ओहो हो अब मुझे अपने घर की तरफ जाना, प्रस्थान करना पड़ेगा, पड़ घर इससे ही बना लेते हैं अभी तो। तो ये भी ले लिया है, ये गेम खेलते खेलते अपनी भी गर्दन ऊंची हो जाती थी, मैं यू करने लग गया था। ये नौज बेटा भी बड़ा बढ़िया इंसान निकला, क्या गेम बना किया। मैं भी घर जाने के बाद, अपने मन्नत घर जाने के बाद, उसमें घर पे ये गेम डाउनलोड करवाऊंगा अपने स्मार्ट टीवी में, बड़ा महंगा वाला है, इसको बताना मत, मैं बताता नहीं मेरे कन कितना पैसा है। मैं ये भी नहीं बताता हूँ कि मेरे कन 10-20 लाख का सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि मेरे कन करोड़ों का तो सिर्फ फर्नीचर है, मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ। अभी आपको भी नहीं बताया होगा मैंने, वो बताऊँगा भी नहीं मैं। ये नॉच बटन थोड़ी बहुत जल्दीबाजी में ढंग का गेम तो बनाया सरी, पर मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप इतनी ऊपर माइनिंग कौन करेगा। तो मुझे उस बेटा ने कहा था, हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया, दुर्भाग्यवश अपने गलत चीज कर, ये देखो नीचे क्या तैर रहा है, मछली जल की रानी है। ओ मुर्गी बेटा कैसे हो, सब बढ़िया मुर्गी बेटा? ओ मुर्गी बेटा, अरे पहचाना नहीं तुम्हारे अभिजीत जी, बिकाजी खाते हुए। ओ हो गलत जवाब दिया तो मुझे उनको कच्चा चबाना पड़ा, दुर्भाग्यवश। तो यहाँ से दूर दूर तक मुझे है ना ओक ट्री दिख नहीं रहे, और मेरे मन्नत घर के लिए जन्नत वाला घर जैसा सामान। रुक जाओ, आप लोगों को घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरे घर का सामान मुझे वहां मिल सकता है। सही जवाब, हमें नींद आ चुकी है क्योंकि हमारा सोने का समय हो चुका है, बट जो बेटा ने कहा था अच्छा बढ़िया, दिल खुश कर देगा वो हमारा, अच्छे पैसे देगा, बस हमें तो इसकी कोई जरूरत नहीं। पर नौज बेटे की बात तो माननी पड़ेगी ना, उसने मुझे कहा था कि एक बार आप प्लीज मेरे गेम को खेल लेना। देखो गाइस ये बकरी दिख रही है, इसको आपको मारने से ऊन मिलता है, और ऊन मिलने से आपका पलंग बनेगा। भाई मेरे को सोना तो है, सोने का टाइम बड़ा हो रहा है। देखो खाने की व्यवस्था अपन ने करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ खाने के लिए भी है तो सही। बाद में दरिया में खेती करेंगे। ये युग बेटा कहता है कि काऊ की फार्मिंग करो, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं पड़ा, पर ये बच्चों का गेम में हम क्या दखल अंदाजी दें। तो दूर दूर तक ट्री तो इतने दिख गए कि क्या ही बताऊं, बट जो जो काम के ट्री दिखने थे वो तो दिखे नहीं। तो अभी तक कुछ मिला नहीं है,
खराब है ना। खुरको, लकड़ी तो बहुत सारी है। बस एक बकरी मिल जाए, अपना रात का काम हो जाएगा। रुको रुको, अब उनको और एक क्रीपर भैया आ गए। इनका नाम क्रीपर भैया है और ये हर बार गलत जवाब देते हैं और हमें ऊपर वाले के फ्लैट पे पहुंचा देते हैं। आपने मेरी पिक्चर देखी तो होगी। कौन सी पिक्चर? अरे हमारे तो इतनी पिक्चर है, बस मत पूछो। तो वहाँ क्रीपर बैठा है, वो रहा मेरे जन्नत महल का रास्ता, मन्नत महल का घर उधर बनाना है। रुको, ये कौन आया? किस असुर ने मुझ पे हमला करा? किसकी हिम्मत की मुझ पे प्रहार करे? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं, पर पहले जान प्यारी है। तो अपन अपने मन्नत घर का रास्ता छोड़ते हुए एक जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ अपन रह सकते हैं। सामने मुझे कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं अभी चश्मा पहन के नहीं आया हूँ अपना। यहाँ तो सबका फूलों का तरह का कहना है, यहाँ सबकी 1000 में बहना है। यहाँ कोई बेटा तो नहीं है ना? भागो भागो भागो, क्रीपर भैया फूटे लगता है, उनके में आवाज आई है। भागो भागो, अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये अब रिस्पॉन होना पड़ेगा। हमें तो ये याद भी नहीं कि हम थे किधर। जब याद आएगा तो सोचेंगे बताने का। बताने से पहले हम बच जाएं, अपने सही सलामत घर पहुंच जाएं। हमें तो प्यारा प्यारा गिफ्ट मिला था। भागो, ये क्या है? यू ब्रो ब्लाउन अप बाय क्रीपर। बस अब आप आगे चैट ना भेजें। वहाँ उजाला दिख रहा है, वहाँ कुछ है क्या? रुको, वहाँ तो ज़ॉम्बियों की पार्टी चल रही है। ओ, यहाँ तो लावा बेटा है। मार ले, तू भी मार ले भाई, तेरी कमी थी बस। मार लो, अमिताभ बच्चन को गिन गिर के मार रहे हो तुम लोग। अभी अपने बेटे को बुलाऊं? रुको, इधर क्रीपर बेटा बोल रहे थे। उस जंगल से हम इधर से उधर करे जा रहे कब से। प्लैंक्स मिले कुछ, ये ऊपर वाले सुबह घर वाले। देखो आप लोग है ना, जल्दी से जल्दी को कमेंट्स में लिख के बताओ कि मुझे क्रीपर से बचने के लिए लाइफ टाइम के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कुछ समझ नहीं आना।
तू भी आ जा, तेरे को तो मैं मारूंगा, तेरे को तो मैं मारूंगा, तेरे को तो मैं मारूंगा। मार ले मार ले मार। अबे तू मार कैसे रही है? मैं मार के तो दिखा, इतनी बड़ी हो गई, अभी तो बच्चन को मारेगी। रुक जा, तेरा तो स्ट्रिंग लेंगे और हम हमारे जाले से अपना घर बनाएंगे। अब हम मोड चेंज कर रहे हैं, कब से जिसका मन करता है हमको आके मार लेते हैं। रुको, कोई हम पे धनुष बाण चला रहा है, भागो यहाँ से। यहाँ कोई घर दे सकता है क्या किराए पे? ये उसको मैं 2 एमरल्ड दूंगा लाकर, बट पहले मुझे एक रहने के लिए संस्था उसको पेमेंट करना होगा क्या? असुरन आते ही हैं, आ गए हैं, भागो यहाँ से, पानी में तैरेंगे। आप लोगों को तैरना आता है ना? मेरे को तो आता है, मैं तो चला यहाँ से। तो देवी और सज्जनों, क्या ही बताएं आपको, यहाँ वो दुष्ट ज़ॉम्बियों ने हम पे हमला कर दिया है। ये हमारे दिल, ये दिल इस साइड पे होता है, पर आपको कैमरे में उल्टा दिखेगा, मत टेंशन लो। मन्नत पे आ गए क्या हम हमारे? कोई गांव वाला अभी तक मिला नहीं है हमको। यहाँ हमें असुर श्रेष्ठ स्केलेटन भैया मिल गए, जो हमें कब से मारने की प्रयास पे प्रयास रच रहे हैं, बट हम यहाँ से कब से बच के भागे जा रहे हैं। पता नहीं हम कितने दूर आ चुके हैं और कहीं कहाँ जाएंगे हम। लाल लाल सा कुछ दिख रहा है, पर हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लगता है आज रात लंबी कटने वाली है, अब जंगल में मंगल करना पड़ेगा। ओ वहाँ तो मशरूम भैया है लगता है, क्या कर सकते हैं। ये मशरूम भैया का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सुबह होने वाली, शायद सनसेट होने वाला है, फिर इनमें आग लग जाएगी, फिर ये गाना गाएंगे हाई गर्मी। ए नौच बेटा, तुम्हारा मंदिर दिखा नहीं मुझे अभी तक। उनने बोला था कि मेरा मंदिर मिलेगा, सीधे सीधे जाओगे, पर मेरा बुढ़ापा फिर से आ चुका है, पर अभी तक। चलो रे गाओ, तुम्हारा फार्म बनाऊंगा। लगता है यहाँ बुरी तरह से बरसात हुई थी ज़ॉम्बियों की। ओह खुशी वाली बात है कि यहाँ सारे ज़ॉम्बी जा चुके हैं, तो हम हमारा एक रात में माइनिंग वाला काम पूरा कर लेते हैं। तो ये स्टोन मिल जाए, ये ग्रेवल ना हो बस। कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? नहीं, वहां जाने के वाले हम मूर्खता नहीं करेंगे। ओहो, सामने ही हमें बहुत सारे ट्रीज नजर आ रहे हैं। वहाँ जाते हैं, अपनी क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और जो चाहे वो बनाते हैं। जल्दी 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 जल्दी, सबर नहीं हो रहा है। पांच हो चुके हैं, पांच से शायद से काम हो जाएगा, पर ले लेते हैं सारे।
पास इसको उठाना है, यहाँ रखना है और ये नीचे बन के आ रहे हैं, उठा लेना है, पर दबाते रहना है। फिर इसको लेना है, इधर रखना है, इधर आधा दबाना है, इधर रखना है, ये ले लेना है। अब इसको कहाँ लगाएं? अपना घर कुछ अच्छा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, तो जगह इधर ही है। ये इधर का अपन सारा खोदेंगे तो इधर तो बना नहीं सकते, इधर बना लेंगे, छोटे ही बनाना है अभी तो एक काम करते हैं, अभी तो इस चेस्ट को यहाँ स्पॉन कर देते हैं। वाह चेस्ट बेटा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आते हुए? पिकेक्स बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये तलवार बना लेते हैं, इसकी जरूरत ना है। खेती बाड़ी करने के लिए बना लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमने ये अपनी कुल्हाड़ी बना ली है और ये पिकेक्स बना लिए, तो इससे यहाँ खेती बाड़ी स्टार्ट करते हैं अपना। ये क्या दे रहे हैं हमको? व्हाट इज दिस डियोरिट गाइस? हमको पता नहीं है, पता देगा जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं। ओहो यहाँ तो पत्थर की खेती मिल गई, जल्दी जल्दी सारे पत्थर तोड़ते हैं। आपको क्या ही बताया, कितनी खुशी हो रही है हमको। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो, इधर से एक काम करके खुदाई कर लेते हैं। खुशी के मारे हम आ चुके अपनी टेबल पर। फटाफट से यहाँ लगा लेते हैं अपन और तलवार को अपनी जगह पे रख देते हैं, यहाँ स्थापित कर देते हैं। तो ये अपनी कुल्हाड़ी आ गई है यहाँ। अब यहाँ से सारे डर्ट हटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं फटाफट। यहाँ फटाफट से लगा लेते हैं, सोने की व्यवस्था करनी है। ओहो एक मिल गई है, थोड़ा सा वूल मिला है, थोड़ा सा ऐसा क्या होता है आजकल, कुछ भी नहीं होता। तो काम करते हैं, मैं तो कहता हूँ ये स्टोन का ही घर बना लेते हैं, जैसा नहीं टूटेगा भी नहीं और मजबूत रहेगा। कोयला भी मिल जाएगा लालटेन जलाने के लिए। तो
तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो यहाँ माइनिंग करके बहुत कुछ मिल चुका है। और यहाँ से मैं कुछ खुदाई करके एक सुरंग बना लेना चाहता हूँ, जहाँ मुझे कुछ अच्छा बड़े बड़े तो पहले आप उनको और को ये देखो आप, यहाँ 32 पत्थर आ चुके हैं। फटाफट से ये दीवार तैयार हो चुकी है, ठीक काफी है। कितने सारे पत्थर और मिल गए, कितने दीवाले, इधर 3 है तो इधर 3 इधर और लगा लेते अपन। मुझे ऐसा लग रहा है शाम होने वाली है। मेरे ध्यान ही नहीं दिया, मेरे सारे पत्थर खत्म हो चुके हैं। फटाफट से माइनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा हो चुके हैं वापस से, तो अपन फटाफट से लगा लेते हैं, तो यहाँ से अपना लग जाएगा। यहाँ से देखो फटाफट से लगा लेते हैं यार। मकड़ी बेटा आ चुकी है, मुझे पता था। जल्दी से जितने जल्दी हो सके, जल्दी, क्योंकि सब आ चुके हैं, मुझे पता था शैतान लोग आ जाएंगे। और आ जाएंगे नहीं, वो आ चुके हैं। अपन अपने घर चलते हैं।
ओहो, दुर्भार के वर्ष ये वापस से आ चुके, जिंदा हो चुके, मुझे पता था। ओ अपनी लालटेन लगा लेता हूँ। वाह, ये सारी लालटेन पहुंच चुकी है, मुझे पता था। जैसा कि अब अपन बच चुके हैं देवी और सजनों। हाँ, तो अब बिजी रहता हूँ आजकल मैं, कि रात को नींद भी आ रही है। पर दुष्ट ये क्रीपर भैया के कारण हम जा नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं देवी और सजनो। तो पहले फटाफट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखो सामने से दरवाजा तैयार हो चुका है, कोने में थोड़ा लुक मिलना चाहिए। अब यहाँ मैं करने वाला हूँ है, मैंने दुर्भाग्यवश गलती कर दी। अब इसको मैं फटाफट से ब्लॉक कर लेता हूँ, और यहाँ से सुरंग के जरिए एक रास्ता देखता हूँ। सुरंग बना लेता हूँ। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि रात कब होगी, सुबह कब होगी, समय का जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो घर तो अच्छा बढ़िया बन चुका है, परंतु यहाँ से जाते हैं, यहाँ बनाने वाले हैं अभी अपना एक सीक्रेट रूम। सेफ्टी तो परखनी पड़ेगी। ओहो हो, ये पता नहीं कौन सा पत्थर हमारे हाथ लग चुका है। सामने हमें पता है हमारे पास क्या आ चुका है। वैसे इस ब्लॉक को कहते क्या है पता नहीं है, पता चलेगा तो तुरंत आपको ही बताएंगे। ग्रेनाइट, देखो दो ब्लॉक हैं, अपन आठ ये बना सकते हैं। तो बिना समय विलंब करते हुए ये बना लेते हैं। ये बन चुके हैं। अब जैसे कि आप जानते हो, क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए इनको यहाँ ये क्राफ्टिंग घंटी बन चुकी है, इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से
फटाफट से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। वैसे घर तो हमारा यही है। ओह नो, ये क्या करा हमने, बाहर जाके बीज भी लगाने। तो जैसा कि इसमें अपन पता चल जाएगा कि अपन क्या क्या बना सकते हैं क्या क्या नहीं। दरवाजा बना सकते हैं कि नहीं वो पता करना है। दुर्भाग्य वर्ष देवी और सज्जन अपन दरवाजा नहीं बना सकते। ये ग्रेनाइट नामक पत्थर का करना क्या है इसका पता लगा लेते हैं। ये ग्रेनाइट स्टेयर्स बन सकती है इससे। तो अपन समय विलंब ना करें तो अपन फिर से नीचे चलते हैं। माइनिंग करने का टाइम हो चुका है, पहले देख लेते हैं। अभी वो अभी अपन बाहर नहीं जा सकते। ओहो देवी और सजनो, कोई बात नहीं, हमारे कन एक झकास आइडिया है मछली पकड़ने का। हुआ, हमारे किस दिमाग में एक आइडिया है। आप सोच रहे हो इसका क्या करना है। अब देखो, ओ नो, रुको, पहले हम हमारी विचित्र टेबल के पास जाएंगे तो हमें बताएगी हमें क्या करना चाहिए। ये बस ये वाला बनाना है, समय विलंब नहीं करना है, फटाफट से बनाना है। अब ये देखा आपने, इससे अपन पता लगा लेंगे सुबह हुई कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं वो सोच रहा हूँ वो ना हो गया। यहाँ वो दुष्ट एंडर नाम का बालक स्पॉन तो नहीं हुआ ना। गाइस 4 तारीख आनी है, बस अब यहाँ से कुछ थोड़े बहुत खुदाई चालू कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सांस लेने की जगह बना देता हूँ कुत्ते की। नहीं यहाँ से पर किसी को स्पॉन होने की जगह भी दे सकते। देवी और सजनों, वहाँ कोई आ चुका है, मुझे उसके पैर दिख रहे हैं।
बट मैं वहां जाने का खतरा नहीं उठाने वाला, उसकी जगह आप जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो सुबह हो चुकी है कि नहीं? वो असुर जल रहे होंगे अब तक। तो बाहर फटाफट चलते हैं दरवाजे की खोज करने। रात को समय इतना नहीं था, वरना मैं इसी के दरवाजे बना लेता। असुरों को जलने का टाइम आ चुका है, तो गाना गाऊंगा मैं। अपने टाइम आ गया। जल्दी से जाते हैं नीचे। जल्दी से नीचे जाते हैं। सीढ़ी मिलेगी कि नहीं? हमारे जमाने में तो बड़ी सीढ़ी होती थी। जल्दी से बना लेते हैं, समय विलंब नहीं करेंगे अपन। बनाने के बाद नीचे दौड़े दौड़े आ जाएंगे, उनको बना लेते हैं अपन। और अब अपन अब खेती बाड़ी के लिए निकल लेते हैं। पहले यहाँ से एक पत्थर लगा देते हैं। हम आगे से लगाएंगे। इतना नखरे नहीं दिखाने, जो है वही है। अब हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें अपना। अब रात को हम घर आएंगे तो माइनिंग करेंगे बस। अभी के लिए इतना ही। कहाँ गए हमारे झाड़ों का एरिया? वहाँ से जाते हैं, लकड़ी लाते हैं बहुत सारी। मजाक ना करते हुए सो तो ले जाते हैं सुबह सुबह। पत्थर की खेती तो मिली गई अपन को, कोई सोचने वाली बात नहीं है। बकरी जरूर ले जाएंगे अपन जाते जाते। अब बकरी की सप्ताह आवा सकता है। अब इसको अपन 50 लेते हो जाएंगे घर। तो सोच लो घर पे कितनी मिल जाएगी अपन को इसके कन्वर्ट करके। ओह नहीं नहीं दुर्भाग्यवशी आपका गलत जवाब रहा। आपका नहीं मेरा सोचा कि मैं तो अभी का काम तो हो जाएगा। बट अब बोल ती हिम्मत कैसे हुई तूने? अमिताभ बच्चन को मारने की हिम्मत कैसे रखी? तो 19 हो गए हैं, बट 19 में आजकल कुछ नहीं आता। तो फटाफट से आगे की वीडियो जारी रखते हुए और हरियाली
निकल लेते हैं। बाद में हम सोच रहे थे कि यहाँ हमारा एक ट्री हाउस बनाएंगे, जहाँ से हम आप लोगों पर नजर नहीं रखेंगे, जहाँ से हम रात को चांद सितारे नापेंगे। ये हमारी उम्र में नहीं है, पर क्या करें। ओहो हो, बना लो सारे बना लो। बहुत सारे सामान बनाने के लिए काफी है, ये नहीं रुको रुको, अब अपन को चढ़ाव बनाने के लिए हर मकसद से आते हैं हम। पत्थर के औजार बनाने का वक्त आ चुका है। मेरे घर बनाने के लिए सामान तो बहुत सारे मेरे कन, तो सोच रहा हूँ ये पेड़ लगा दूँ, बाद में मेरे को मिलेंगे। काम करते हैं, देखते हैं कितने अपने कन पेड़ों के ये हैं। एक यहाँ तीन लगा दिए मैंने। हमारी कुल्हाड़ी की एनर्जी जा चुकी है, तो जाके इसको रिचार्ज कर लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि खाने के लिए खेत बना लूं, तो मैं गलत तो नहीं सोच रहा था। पहले यार मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करते हैं। मुझे ऐसा लगा किसी ने अपना हथियार चलाया। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे अपने घर में जाना है, कुछ सामान वामान पहुँचाना है, फिर चमत्कार देखना। ओहो ये क्या किया हमने, इन सबको भी ले लेते हैं। ओहो ये सीढ़ी का मुझे पता नहीं था, ये ऐसे बनते हैं। यह एकदम से क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पड़ा। रात ही हो गई, Thank you.
भी नहीं है। मेरा हिम्मत तो नहीं कर रही बाहर जाने की, बट सोचता हूँ कि चले जाऊं, पर अभी अब मेरे को कुछ नहीं है। अरे हथियार बना सकते हैं, तो हमारे घर हमारी आ चुकी है कुल्हाड़ी। यहाँ से बस इतना चढ़ाव काफी है आने जाने के लिए। ये दरवाजा हमेशा लगा रहना चाहिए, कभी दुर्भाग्यवश दुश्मनों का हमला हो गया। सोच रहा हूँ कि वहां जाके वो ब्लॉक लगा दूं। परंतु ये पानी और कैसे भी आ रहा है, ये पानी आ तो आ का सर है। तो गाइस आज की वीडियो यही खत्म नहीं होगी जब तक गुटर नहीं बजाता। क्या ही कहूँ मैं आपको, ये अलग तो गुटर बच जाने के लिए बैठा ही रहता है, बस ये लग जाए तो लग गया है। तो ये सीक्रेट दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा बड़ा अच्छा है, सोच रहे थे हम कि घर बड़ा कर लें। बस पलंग बन जाए जब तक वेट करते हैं कल सुबह तक का। ओ गाइस हम आपसे माफी चाहेंगे, पता नहीं हमारे घर पे धमाका करा जिससे हम चले गए। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अमिताभ बच्चन को जाके वोट करना, और वीडियो बस इतनी थी।